Welcome to my class. In Excel, we have number of logical functions. For example, we have if function, and function, or function, not function, ifs function, if na function, if error function, true function, false function, switch function, and the last one is xr function. All these are logical functions. In this particular video, we will talk about multiple and functions and if function. This is example 4. Aayega move karte hain apne multiple and functions ke question ke upar. Yahan par mujhe kuch students ke different subject ke marks diye gaye hain. There are number of columns given to us. First is serial number, second is name of the student, third is English subject, fourth Hindi subject, fifth math subject, and the last one is account subject. In subject ke base ke upar humne usko pass ya fail declare karna hai. Lekin hume iske andar condition di gayi hai. If the marks of the student is greater than the average marks of the class in that subject, only then he is allowed to pass, otherwise he be declared as fail. To sabse pehle to mujhe yahan par puri ke pure subject ke क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने हैं. अगर स्टूडेंट के मार्क्स उस सब्जेक्ट के एवरेज से ज़्यादा हैं तब ही वो पास माना जाएगा, नहीं तो वो पास नहीं माना जाएगा. और ये चीज़ मैंने चारों सब्जेक्ट्स के लिए चेक करनी है. तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एवरेज को टेकअप कर रहा हूँ, इक्वल्स टू एवरेज. मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट की एवरेज निकल के आ गई 65 मार्क्स. मैंने इसी को कॉपी कर दिया राइट साइड की तरफ, तो मेरे पास बाकी के सभी सब्जेक्ट्स के भी क्लास के एवरेज मार्क्स निकल के आ गए. अब स्टूडेंट इसको बड़े ध्यान से समझिएगा. रोहित ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, इसके सब सब्जेक्ट के मार्क्स क्लास के एवरेज मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए, तब ही ये पास डिक्लेयर किया जाएगा, नहीं तो ये फेल माना जाएगा. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ट्रू या फॉल्स देखना चाहता हूँ कि ये सारी कंडीशंस मीट अप हो रही हैं या नहीं हो रही. अगर तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो ये ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स आंसर मिलेगा. मैं यहाँ पर एंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ. एंड सी फोर इज ग्रेटर देन एवरेज, पेरेंथेसिस स्टार्ट, C4 से C13 तक हमें ये लेना है, क्योंकि ये रेंज चेंज नहीं होगी और मुझे यहां पे ड्रैग डाउन करना है. मैं चाहता हूं कि ये रेंज चेंज ना हो. जब मैं ड्रैग डाउन करूं तो मैं इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर देता हूं. पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा. Again, and D4 is greater than average. पूरी क्लास की मैंने ये रेंज ले ली और इसको भी मैं F4 प्रेस करके फिक्स कर देता हूं. Parenthesis close, comma, and E4 is greater than average. Parenthesis start. मैंने कंप्लीट क्लास की रेंज दे दी. आई प्रेस F4, पेरेंथेसिस क्लोज. इन द लास्ट सब्जेक्ट इज अकाउंट्स. इसके लिए मैं एक और एंड फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. एंड फंक्शन F4 इज ग्रेटर देन एवरेज, पेरेंथेसिस स्टार्ट. इस एवरेज फंक्शन के अंदर मैं अकाउंट्स सब्जेक्ट की मार्क्स की कंप्लीट रेंज दे रहा हूं और इस रेंज को फिक्स करने के लिए मैं F4 को प्रेस कर देता हूं. पेरेंथेसिस क्लोज. स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये पेरेंथेसिस क्लोज किया गया है एवरेज के लिए और यहां पर हमने चार एंड फंक्शन यूज किए हैं, तो मैं चार यहां पर पेरेंथेसिस को क्लोज करूंगा. 1, 2, 3
and the last one 4. Now this makes our function complete one. I press enter. जैसे मैंने enter press किया, मुझे यहाँ पर first cell के अंदर एक value आ गई, that is true. मैं इस true को नीचे fill handle के जरिए drag down कर देता हूँ. मेरे पास बहुत सारी students की value आ गई true और false की form के अंदर. ये इनका result है. False represent करता है fail और true represent करता है pass. इस first cell के अंदर true क्यों आया? इस बात को analyze करते हैं. हमारे पास first student है रोहित, जिसके English के अंदर marks है 67, लेकिन class average है 65. It means रोहित के English के marks class की average से ज़्यादा है. Second, हिंदी subject के अंदर रोहित के 77 marks हैं, जबकि class average 54 है. It means हिंदी subject के लिए भी ये condition true है. इसके बाद third subject maths, जिसके अंदर रोहित के 76 मार्क्स हैं और क्लास एवरेज 56 है. एंड द लास्ट वन इज अकाउंट्स. अकाउंट्स के अंदर रोहित के मार्क्स 69 है, जबकि क्लास एवरेज 54 है. अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इन चारों सब्जेक्ट के अंदर रोहित के मार्क्स क्लास की एवरेज से ज्यादा है, तो हमारे पास यहां पर रिजल्ट आ गया ट्रू. अब मैं आपके सामने एक और केस टेकअप कर रहा हूं, दैट इज ऑफ अमित, जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट है फॉल्स. आइएगा इसको एनालाइज करते हैं. अमित के इंग्लिश के अंदर मार्क्स हैं 67, जबकि क्लास एवरेज है 65. इट मींस ये कंडीशन यहां पर फुलफिल हो गई. लेकिन हिंदी के अंदर अमित के मार्क्स 22 हैं, जबकि क्लास एवरेज 54 है. सो यहां पर सेकेंड एंड के अंदर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई. और एंड फंक्शन के अंदर अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वहां पर एंड फंक्शन हमें फॉल्स रिजल्ट देता है. सो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये ट्रू फॉल्स डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए निकल के आ गया. हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज किया है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं. इस फंक्शन के अंदर एक बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने चार एंड फंक्शन लिए हैं, तो हमने बाद में चार पेरेंथेसिस दिए टू क्लोज द फंक्शन. ये जो पांचवा पेरेंथेसिस है, दिस इज फॉर द एवरेज फंक्शन. सो यहां पर हमारे ये फंक्शन कंप्लीट होता है. लेकिन हमें तो रिजल्ट चाहिए था पास और फेल की फॉर्म के अंदर, ना कि ट्रू और फॉल्स के अंदर. अब क्वेश्चन ये आता है, इस ट्रू और फॉल्स को हम किस तरह से पास और फेल के अंदर कन्वर्ट करें? इसके लिए मैं यहां पर यूज करूंगा इफ फंक्शन. लेकिन इफ फंक्शन को टेकअप करने से पहले मैं इस कंप्लीट एंड फंक्शन को कॉपी कर रहा हूं. कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया. इस जगह के ऊपर अब मैं इसको पास और फेल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इफ फंक्शन को यूज करूंगा. तो मैं यहां पर दे रहा हूं इफ. लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं कंप्लीट एंड फंक्शन दे दूंगा. मैंने कंट्रोल वी कर दिया. कंट्रोल वी करने से सारा का सारा एंड फंक्शन यहां पर पेस्ट हो गया. इफ लॉजिकल टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू है तो हमारे को सेकंड आर्गुमेंट के अंदर डिक्लेयर कर दो स्टूडेंट इज पास. तो मैं डबल कोट के अंदर यहां पर पास दे रहा हूं. और अगर ये एंड वाला आर्गुमेंट ट्रू नहीं है तो स्टूडेंट को डिक्लेयर कर दो फेल. इसके लिए मैं डबल कोट के अंदर दे रहा हूं फेल. डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज. नाउ आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जहां पर हमारे पास ट्रू दिया गया था उसके सामने ये पास आ गया. मैं फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग डाउन करता हूं तो फॉल्स वाली जगह के अंदर फेल आ गया. इट मींस कि यहां पर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई. मैं फिल हैंडल से इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूं. मेरे सारे ट्रू फॉल्स वाले रिजल्ट पास और फेल के अंदर कन्वर्ट हो गए. इस केस के अंदर मैंने जिस फंक्शन को यूज किया है
मैं आपकी रेफरेंस के लिए उसको यहां पर दे रहा हूं। इस फंक्शन को ध्यान से स्टूडेंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर लॉजिकल कंडीशन हमारी ट्रू है तो पास कर दो, और अगर ट्रू नहीं है तो उस स्टूडेंट को फेल कर दो। सो जहां जहां पर लॉजिकल कंडीशन ट्रू आएगी वहां पर पास वाला आर्गुमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज फेल वाला आर्गुमेंट एप्लीकेबल होगा। स्टूडेंट मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता हूं, स्टार्टिंग के अंदर ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक बारी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप देखेंगे कि मल्टीपल एंड कितना पावरफुल फंक्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।